भारत और रूस के रिश्तों पर अमेरिकी राजदूत की एक टिप्पणी की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने बीते दिनों नई दिल्ली में यूएस इंडिया डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव में बोलते हुए पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर भारत को आगाह करते हुए टिप्पणी की थी। गारसेटी ने कहा था कि कोई भी जंग अब दूर की नहीं होती है। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर गारसेटी की जिस टिप्पणी पर सबसे ज्यादा बहस हुई वह इस तरह थी, भारत रणनीतिक स्वायत्तता पसंद करता है, मैं इसका आदर करता हूं, लेकिन युद्ध के दौरान रणनीतिक स्वायत्तता के लिए कोई जगह नहीं होती है। संकट की घड़ी में हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। गारसेटी ने कहा कि अमेरिका और भारत को एक दूसरे की जरूरत की घड़ी में एक भरोसेमंद साझेदार की तरह साथ मिलकर रहना चाहिए। पीएम मोदी उस वक्त रूस पहुंचे थे जब पश्चिमी देशों के नेता नेटो समिट में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन में जुटे थे और रूसी मिसाइलों से यूक्रेन में दर्जनों लोग मारे गए थे। गारसेटी ने कहा कि कोई भी युद्ध अब दूर का नहीं है और हमें न केवल शांति के लिए प्रतिबद्ध रहने की जरूरत है बल्कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। शांति भंग करने वालों की युद्ध मशीनरी यूं ही चलती नहीं रह सकती। गारसेटी ने ना तो रूस का नाम लिया ना ही चीन का, लेकिन ये जरूर कहा कि पिछले कुछ सालों से कई देश संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर बयान दिया था। मिलर ने कहा था कि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर हमारी चिंता बिल्कुल स्पष्ट है, हमने अपनी चिंता भारत सरकार के सामने रखी है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बात अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से हुई। रूस से भारत के संबंधों को लेकर सुलिवन ने भी टिप्पणी की और कहा कि रूस पर दांव लगाना भारत के हक में नहीं है। जैक सुलिवन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत समेत दुनिया के किसी भी देश के लिए एक लंबी अवधि के पार्टनर के रूप में रूस पर दांव लगाना अच्छा नहीं है। रूस चीन के करीब आ रहा है और उसका जूनियर पार्टनर बन रहा है, रूस किसी भी दिन उसकी तरफ झुक जाएगा। हालांकि सुलिवन ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है जो रातों रात नहीं बदल जाएगा। रूस पूरी दुनिया में भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में निवेश कर रहा है। विश्व की जटिल भूराजनीतिक परिस्थिति में कुछ एक्सपर्ट भारत और रूस के रिश्ते को अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे कि माइकल कुगलमैन। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन का कहना है कि भारत और रूस के बीच संबंध अमेरिका के लिए कोई बुरी खबर नहीं है। इसके वो तीन कारण गिनाते हैं। एक, पहले के मुकाबले कम अनुकूल ट्रेंड और भूराजनीतिक परिस्थितियां। दूसरा, यूक्रेन युद्ध पर भारत ने रूस का विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई। और तीसरा, भारत रूस की साझेदारी रूस चीन संबंधों पर अंकुश लगाएगी। मॉस्को भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदार रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भारत की तुलना में पाकिस्तान को तवज्जो देता रहा है। लेकिन सोवियत संघ और भारत की दोस्ती की शुरुआत 1971 से पहले की है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वैचारिक करीबी भी सोवियत के साथ ही थी। भारत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से पहले से ही जूझ रहा है। ऐसे में भारत रूस के भी इस जुगलबंदी में आने देने का जोखिम नहीं ले सकता।